नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर निधि काबरा और मैं चिरायु अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो में हम जिस विषय के रूप में चर्चा करने वाले हैं वो है PCOS, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आज की दर में PCOS के ग्रसित महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। शायद इसका असर हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारा स्ट्रेस, ये सभी कारणों से आज 100 में से लगभग 60% महिलाएं PCOS से ग्रसित हैं। तो क्या होता है PCOS और इसके शरीर पर क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। PCOS इज एक सिंड्रोम है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसमें एक लक्षण शरीर में मिले। इसमें 4 से 5 लक्षण मुख्यतः शरीर में पाए जाते हैं जो कि एक सिंड्रोम के रूप में सामने आता है। इसमें यूजुअल जो सबसे कॉमन कैरेक्टर है जिससे महिलाएं ज्यादातर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करती हैं वो है महावारी का अनियमित होना, या फिर उसका देर से आना या फिर ना आना, शरीर पर अत्यधिक मात्रा में बालों की संख्या होना, चेहरों पर मुहासों का होना। व इस प्रकार की महिलाओं में अगर सोनोग्राफी की जाती है तो अंडाशय के अंदर छोटे अंडाणुओं की संख्या जो कि फॉलिकल कहे जाते हैं, 10 mm के फॉलिकल की संख्या 20 से ज्यादा पाई जाती है। उनका पेरिफेरल अरेंजमेंट होता है जिसे नेकलेस अपियरेंस कहा जाता है, वैज्ञानिक भाषा में हम उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगर इस तरह की महिलाओं का ब्लड टेस्ट किया जाता है तो यूजुअली जो हार्मोन्स फीमेल में बैलेंस्ड कंडीशन में होते हैं, जैसे कि जो कि FSH और LH हार्मोन्स होते हैं, तो LH की मात्रा FSH के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पाई जाती है, और जो मेल हार्मोन है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन उसकी मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। इस तरह की महिलाओं की लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज्ड देखी गई है। इवन ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस भी इन महिलाओं में कम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। अगर इन सभी लक्षणों में से कोई भी 2 लक्षण किसी महिला के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे PCOS से ग्रसित महिला कहते हैं। यूजुअली इसके प्रभाव बहुत ज्यादा होते हैं महिलाओं के अंदर, लेकिन जो मेन प्रभाव है जिसके कारण ज्यादातर महिलाएं हमारे पास आती हैं संपर्क करने के लिए और इलाज चाहती हैं वो है निसंतानता। और हमारे मन में डेफिनेटली ये जिज्ञासा आती है कि आखिर PCOS के साथ ऐसा क्या होता है जो कि निसंतानता का रूप ले लेता है। एक्चुअली PCOS के अंदर महावारी अनियमित आने का मेन कारण होता है कि इनमें LH हार्मोन ज्यादा होता है जो कि फॉलिकल की ग्रोथ नहीं होने देता। नॉर्मल जो मानसिक चक्र होता है जो कि महिलाओं में 25 से 35 दिनों का होता है, उनमें हम सभी जानते हैं कि एक अंडा साइज में बढ़ता है और 14वें दिन वो फटकर ओव्यूलेशन के रूप में सामने आता है। और अगर वो अंडा बच्चे में कन्वर्ट नहीं होता तो उसके एग्जैक्टली 14 डेज के बाद मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। PCOS के अंदर ना तो अंडा बढ़ता है ना ही ओव्यूलेशन हो पाता है, और जाहिर सी बात है अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो गर्भाधान का संभावना लगभग निल हो जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि इस तरह की महिलाएं अगर हमसे संपर्क करती हैं तो हम उसका इलाज किस तरह से करते हैं। यूजुअली इनका इलाज 4 चरणों में किया जाता है। पहले चरण में हम इनको एडवाइस करते हैं प्रॉपर वेट लॉस, यानी वजन कम करना, व्यायाम और डाइट प्लान्स। जी हाँ, PCOS के अंदर ज्यादातर महिलाएं ओबीज होती हैं, यानी उनका जो वजन होता है और उनका BMI है वो 25 से ज्यादा होता है और वो चाहकर भी अपना वजन कम नहीं कर पाती। अगर उन्हें प्रॉपर डाइट प्लान दिया जाए, प्रॉपर व्यायाम उन्हें एडवाइस किया जाए और वो उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और अपने वजन में सिर्फ 10% की भी कमी कर पाएं, तो ज्यादातर महिलाओं में जो मासिक चक्र है, जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है, सिर्फ इसी से चालू हो जाती है और महिलाएं प्राकृतिक रूप से गर्भधारण कर पाती हैं। अगर ये तरीका महिलाओं में फेल हो जाता है तो जो दूसरा चरण है इलाज का वो शुरू किया जाता है, जिसमें हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवाइयां जो कि क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल के नाम से बाजार में अवेलेबल है उनको स्टार्ट करते हैं, जो कि महावारी के 2 से 5 दिन तक दिया जाता है। 12वें दिन से 14वें दिन महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए बुलाकर ये कन्फर्म करते हैं कि अंडा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसका ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर अंडा बनने लग जाता है तो यह दवाइयों की प्रक्रिया महिलाओं में 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू की जाती है। अगर महिलाएं इसमें भी फेल हो जाती हैं तो तीसरे चरण पे आते हैं, जिसमें उनको दूरबीन की जांच
के बारे में समझाया जाता है। दूरबीन के ऑपरेशन के दौरान महिलाओं के अंडे की थैली में 3 से 4 सुराख किए जाते हैं और ये माना जाता है कि ऐसा करने से जो डीरेंज्ड हार्मोन्स के लेवल हैं जैसे LH और टेस्टोस्टेरोन, इनके लेवल्स कम हो जाते हैं, वो बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाते हैं और ऐसा करने से कई महिलाओं में ओव्यूलेशन का चक्र स्टार्ट हो जाता है और वो स्वयं ही गर्भाधान की तरफ बढ़ जाती हैं। अगर महिलाएं इन तीनों चरणों में फेल हो जाती हैं और इन तीनों के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पाता तो फिर उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ज्यादातर महिलाएं 3 से 6 इंजेक्शन देने पर ओव्यूलेशन यानी कि अंडे बनने की प्रक्रिया के पद में आ जाती हैं और उनमें गर्भधारण हो जाता है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि लगभग 90% महिलाएं इन तीनों चरणों से गुजरने के पश्चात गर्भधारण करने में सक्षम हो पाती हैं। कुछ महिलाएं जिनमें की PCOS की समस्या सिवियर होती है, जो कि इन चरणों के बाद भी गर्भधारण नहीं कर पाती, उनके पास एकमात्र इलाज जो आशा की उम्मीद बचती है वो IVF का ट्रीटमेंट होता है, जिसे कि हम सामान्य भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट कहते हैं। और ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी अगर PCOS से ग्रसित महिलाओं में किया जाता है तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया के बाद लगभग 90 से 100% जो PCOS के पेशेंट्स हैं उनमें गर्भधारण हो जाता है। तो हमें निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी माहवारी नियमित समय पर नहीं आ रही है या फिर आप PCOS से ग्रसित हैं या आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज या किसी में भी आप इस तरह की समस्या को देखते हैं तो प्लीज निराश मत होइए। PCOS का इलाज संभव है और काफी सिंपल तरीके से भी इसमें गर्भधारण करने का इलाज हो सकता है। और अगर इस समस्या से आप ग्रसित हैं तो आज ही अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान करेंगे, प्रॉपर तरीके से अपना इलाज करवाएंगे तो इसमें गर्भधारण संभव है। धन्यवाद।